हेलो गाइस, लिनक्स हैकिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि किसी भी फॉरगेट वाईफाई का पासवर्ड कैसे पता करें, या कनेक्टेड भी हो और आपको उसका पासवर्ड नहीं पता तो उसको किस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टर्मिनल ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको सिंपली लिखना है cd स्पेस स्लैश etc, एंटर कीजिए। ls कमांड प्रेस करके लिस्ट देखिए, वहाँ पे आपको देखना है नेटवर्क मैनेजर। इस नेटवर्क मैनेजर को कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद वही उसके बाद स्लैश और जो आपने कॉपी किया है उसे पेस्ट कीजिए, एंटर। ओके, ls कमांड। उसके बाद आपको जाना है सिस्टम कनेक्शंस में, उसको भी कॉपी कीजिए। पेस्ट, उसके बाद ls कमांड। ओके, तो आपने अभी तक जितने भी वाईफाई के पास मतलब लॉगिन किया होगा तो उसके आपको ये सारे के सारे वाईफाई के नेम डेटा शो हो जाएंगे। तो आपको इसमें से किस तरह से आप इसमें से पासवर्ड निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सपोज़ मुझे ये डेपो है, इसको मतलब इसका पासवर्ड मुझे पता करना है, तो सिंपली कैट कमांड टाइप कीजिए, इस डेबो को कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख दीजिए और एंटर कीजिए। ओके, तो इस तरह से आएगा यहाँ पे पासवर्ड की PSK सुनीता 123। तो इस तरह से आप अपना ये वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकते हैं। जहाँ आपने कभी भी किया और मतलब अभी तक लॉगिन किया होगा किसी भी वाईफाई कनेक्शन से और आपको पता है, तो इस तरह से आप इस टेक्निक से आप पता कर सकते हैं। विंडोज़ में अलग तरीके से होता है, यहाँ इस तरह ये सिंपल मेथड है पता करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।